अब से ठीक दो घंटे बाद मुल्क में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा और फिर परसों 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आप सबको घर से निकलना चाहिए और उस दिन वोट देना चाहिए। सियासी जमातों के मरकजी रहनुमा इस इलेक्शन मुहिम के दौरान मुतहर्रिक रहे, अवाम में नजर आए, बड़े बड़े दावे करते नजर आए। सबसे ज्यादा मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आए। इसके अलावा दीगर जमातों ने कैंपेन की और अब से थोड़ी देर बाद दो घंटे बाद ठीक 12 बजे ये कैंपेन का वक्त खत्म हो जाएगा। क्या माहौल रहा है मुख्तलिफ शहरों में, 8 शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, वो हम बताएंगे आपको कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। स्टूडियो में हमारे साथ हामिद मीर साहब और सीनियर साफी सलीम साफी साहब, आप दोनों मौजूद होंगे। उनसे ये मालूम करेंगे कि अगली हुकूमत जो बनने जा रही है वो उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार कराची का होगा, खैबर पख्तूनख्वा का होगा, या फिर जो आजाद उम्मीदवार होंगे उनका होगा, ये कौन सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाला है। पहले देखिए जरा कराची में इंतखाबी मुहिम का क्या माहौल है, हमारे नुमाइंदे वलीद अहमद वहां से बता रहे हैं। कराची की गलियों, सड़कों, मोहल्लों, हर हर हलके में तमाम बड़ी सियासी जमातों ने भरपूर मुहिम चलाई है। इस सिलसिले में जो बागे जना है वो सियासी जमातों के जलसों का मरकज बना रहा। पहले एमकेएम ने जलसा किया, फिर जमात इस्लामी ने वहां पर पावर शो किया, टीएलपी ने मैदान सजाया, इसी तरह जो दीगर मकामात हैं कि हची हर हलके में हर हर जगह पर तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस सिलसिले में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके कायदीन कराची पहुंचे, उन्होंने जो अपने कारकुनान हैं उनसे खिताब किया, अपना जो मंशूर है वो आवाम के सामने रखा। इस सिलसिले में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक यहां पर आए, इसी तरह टीएलपी से साद रिजवी कराची में आए, जबकि जेयूआईएफ से फजलुर रहमान ने यहां पर आकर खिताब किया था। हम जो कराची के लोग हैं उन्होंने जो गैर मौजूदगी है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की, इसको यकीनन महसूस किया है। टीएलपी ने भी जगह जगह इंतखाबी जो पीटीआई है, पीटीआई ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई है, लेकिन क्योंकि पीटीआई का बल्ला इस बार मैदान में नहीं है, इसीलिए जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाई है। एक जो बड़ा मसला दरपेश हुआ है पीटीआई को इंतखाबी मुहिम में, वो हर हर हलके से उनके 2 या 3 नुमाइंदगान हैं और जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर अपना वोट दें। जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई कराची में कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए, उसमें जो एमकेएम का एक कारकुन है फराज, वो भी इंतकाल कर गया। तहम अब 12 बजे के बाद जो है वो इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया एक्टिव है, वाइब्रेंट है, वहां पर जो है इंतखाबी मुहिम चलाती रहेंगी। कराची की सूरत हाल है, काफी अग्रेसिव कैंपेन चलाई गई है, मगर कराची के साथ मसला यह है कि सिमत नहीं पता कि कराची किस सिमत जाएगा। एमकेएम दावे कर रही है कि वो 13 से 14 सीटें ले जाएगी, पीपल्स पार्टी भी यही दावा कर रही है, जमात इस्लामी भी यही दावा कर रही है, जबकि तरीके साफ आजाद उम्मीदवारों के साथ खड़ी है, मगर दावा अभी भी वो यही कर रही है कि जो 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट था वही आएगा। पिशावर में क्या हो रहा है, गढ़ रहा है पाकिस्तान तरीके साफ का पिछले 2 इलेक्शन में, नादिया सुबह ही बता रही। पिशावर से कौमी असेंबली के असेंबली के 13 हलकों के लिए पोलिंग होनी है 8 फरवरी को, और यकीनन जब इंतखाबात होते हैं तो उससे पहले उम्मीदवारों की जानिब मुहिम चलाई जाती है, जो आज रात 12 बजे तक का टाइम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि रात को 12 बजे वो खत्म हो जाएगी। तहम अगर हम बात करें मजमूई तौर पर जो इलेक्शन के हवाले से जो इंतखाबी मुहिम होनी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने या उम्मीदवारों ने चलाई, तो वो इतनी कमजोर रही है कि ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो है वो एक इलाके में एक दफा गए, और हमेशा ये होता था कि उम्मीदवार बार बार उन इलाकों में जाते थे और वोटर्स को वो कहते थे, कायल करने की कोशिश करते थे अपने मंशूर को लेके कि उन्हें वोट दिया जाए। तहम अभी जो हालात हैं उसमें वोटर्स अपने घरों में बहुत कम मिल रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर हम इंतखाबी मुहिम की बात करें पेशावर में, तो बहुत कमजोर रही है। अगर हम 2018 की बात करते बात हुए थे उसमें इंतखाबी मुहिम बहुत ज्यादा जोरों शोर से होती थी, और अब यकीनन इंतखाबी मुहिम जो वोटर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं उनकी ही वजह से ज्यादा होती है। तहम इस दफा सपोर्टर्स भी बहुत कम नजर आ रहे हैं, सियासी जमातों के जो जितने भी कारकुनान हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। पेशावर के NA 32 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बानी PTI ने भी इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इस सीट पर इलेक्शन लड़ा था, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर और PTI के जो नामजद उम्मीदवार हैं आसिफ खान, उनके दरमियान जो है का हो सकता है। तहम जो पीपल्स पार्टी से जो नाराज होकर उन्होंने जो अवामी नेशनल पार्टी से नाराज होकर पीपल्स पार्टी की तरफ आए आबिदुल्ला, वो भी अपनी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अगर मजबूरी तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर गुलाम अहमद बिलोर अवामी पार्टी और PTI के नाम
नामजद आसिफ खान का आपस में कांटे का मुकाबला तो होना ही है। और अगर हम पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करें, चूंकि पीटीआई से इंतखाबी निशान भी लिया गया, इसके बावजूद भी जो पीटीआई के जो नामजद वो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ मोहल्लों में गलियों में जा रहे हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हम जब मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस दफा इंतखाबी जो मुहिम जो चलाई गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने चलाई है, चाहे वो दून ने जमात ने चलाई है, तो वो इतनी मजबूत नहीं रही। लाहौर बहुत अहम है, कांटे के काफी सारे मुकाबले वहां होने हैं। अर्बन एरियाज में तरीके साफ का दावा रहा है कि हमारे आजाद उम्मीदवार ही हो मगर वो जीतेंगे। वो दरूल का भी दावा कर रहे हैं मगर नूली कहती है हमने बड़ा रिकवर किया है। क्या सूरत हाल है? देखिए ये इलेक्शन जो है ये माजी से बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होगा क्योंकि इसमें वोटर्स जो है वो इस वक्त खामोश नजर आ रहा है। माजी के इलेक्शनों में होती रही है वो नजर नहीं आई। लाहौर के में 14 हलके हैं कौमी असम्बली के जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आई है, कंपेन भी कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार तो बहुत सारे हलकों में खड़े किए हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो हल्का 127 है जहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खुद इलेक्शन और उसमें उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड हैं जो कि पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की उनको सपोर्ट हासिल है और इसके साथ पीटीआई के जहीर अब्बास खोकर जो कि आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 128 में सलमान अकरम राजा उनके मुकाबले में अहम चौधरी हैं जो आईपीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून उनकी भरपूर सपोर्ट कर रही है। तो ये कुछ कांटेदार मुकाबले हैं 7-8 हलकों में जिनमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पीटीआई की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो इस वक्त जेल में हैं लेकिन वो उनके साथ मुकाबला कर रही हैं। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में पीटीआई की आलिया लड़ रही है इलेक्शन और आजाद हैसियत में लड़ रही हैं। इस वजह से ये देखने में आ रहा है कि बाकी जो आजाद हैसियत में कैंडिडेट्स हैं वो जलसे जुलूस बहुत कम कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग बहुत कम हो रही हैं लेकिन धड़ा भी करते जा रही है और इसके साथ कॉर्नर मीटिंग भी हो रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो भी सिर्फ 127 में कर रहे हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो भी जोरों शोर से चलाई जा रही है क्योंकि जिमनी इलेक्शन में उन्होंने 35,000 वोट लिए थे। हमारे और भी नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, मुल्तान में, लाड़काना में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में मौजूद हैं। एक और शहर हम आपको दिखाएंगे क्वेटा और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास आएंगे, हामिद मीर साहब और सलीम साफी साहब से पूछेंगे कि अंदर की बात क्या है, मामला जा किस तरफ रहा है। क्वेटा में देखिए क्या सूरत हाल रही है। जी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी इंतखाबी सरगर्मियां अब से कुछ देर बाद खत्म होने वाली हैं। जोर शोर से जारी रही लेकिन अमन अमान की जो सूरत हाल थी उसके बायस जो है काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा उम्मीदवारों को। कोयटा में पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका, इसकी जगह इंतजामिया ने जो है कोई ये पाबंदी आयद की हुई थी कि जो है उम्मीदवार है जलसा जुलूस नहीं कर सकते और वो सिर्फ मीटिंग पर जो है इतफा कर सकते हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान में अहम मार्कों की तो कोयटा में कौमी असम्बली के 3 हलके हैं जिनमें NA-262 पर जमीयत उलमा इस्लाम के मलिक सिकंदर एडवोकेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमजान दरमियान कांटे का मुकाबला होने की तवक्का है। इसी हलके से BAP के मंजूर काकड़ भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए 263 की तो NA-263 पर जो है काफी सख्त मुकाबला है जो मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो है रहनुमा है नवाब रजा लश्करी रईसानी इनके दरमियान सख्त मुकाबला होने की उम्मीद है। इस हलके से जो है कि मीर मकबूल लैड़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोजी खान काकड़ भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए NA-264 की तो उस वक्त जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला पाकिस्तान पार्टी के नवाबजादा जमाल रईसानी कर रहे हैं। इस हलके से आजाद उम्मीदवार मीर हमायों अजीज कुर्द भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे के मुकाबले जा सकते हैं।